हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम JKSSB VLW का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। हमने इससे पहले होल नंबर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल कंप्लीट की हैं। अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सब लेक्चर मिल जाएंगे, एक साथ सब लेक्चर होंगे प्लेलिस्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले परसेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। परसेंट मीन्स पर हंड्रेड, इट इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज को, परसेंट को। परसेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड। जैसे एग्जांपल, एक्स परसेंट मीन्स एक्स पर हंड्रेड आर एक्स अपॉन हंड्रेड, इसी को हम बोलते हैं एक्स पर हंड्रेड। तो ये होती है परसेंटेज की डेफिनेशन। एनी परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग बाय हंड्रेड। कोई भी परसेंटेज है उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उस परसेंटेज को हमने हंड्रेड से डिवाइड करना है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो हमने फ्रैक्शंस के लेक्चर में पढ़ा है, तो वहां पे आप देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में अभी पता नहीं है। जैसे जो ये लिखा हमने, इसका क्या मतलब है? एग्जांपल 20% है, ये परसेंटेज में दिया है, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20/5% का क्या मतलब होता है? जैसे इधर था एक्स परसेंट इक्वल टू एक्स बाय हंड्रेड, तो 20% होगा 20/100। इन शॉर्ट जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। यहाँ पे है 20%, 20 × 1/100 ये बनता है 20/100। इसी तरह से अगर कुछ परसेंट हम लिखेंगे, 2% कितना होगा? 2/100 इक्वल टू 1/5। अगर क्वेश्चन में आपको होगा 2% तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो 1/5। आपने माइंड में ही करना है कि 2% इक्वल टू 2/100, तो ये आएगा 1/50 आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 50 = 100, 1/50। इसी तरह से कुछ ये स्पेशल ये टाइप के परसेंट है ये पढ़ेंगे हम। 5% आएगा 5/100, तो ये आएगा 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100, ये आएगा इक्वल टू 1/20 के बराबर। इसी तरह से 10% है, ये आएगा 10/100, 10 × 10 = 100, ये आएगा 1/10 के इक्वल। 20% है, ये आएगा 20/100, 20 × 1 = 20, 25 = 100, तो आएगा 1/5 के इक्वल। 5% आया था 1/20 के इक्वल, और 20% आया 1/5 के इक्वल, और 25% होगा, ये आएगा 25/100, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 40% होगा, ये आएगा 40/100। ये जीरो कैंसिल, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये इसको भी 2 से, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, तो आएगा 40% इक्वल टू 2/5, मतलब ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 50% 50% आएगा 50/100, 51 × 50, 52 = 100, आएगा 1/2 के बराबर, जिसको हम हाफ भी बोलते हैं 50% को। 100% कितना आएगा? 100/100 इक्वल टू 1, तो 100% 1 के इक्वल आता है। तो ये कुछ ये हमें डायरेक्टली ये इस टाइप की फ्रैक्शन ये परसेंटेज पता होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली भी यूज हो सकते हैं और इजी भी है, इनको ज्यादा कुछ भी नहीं है। और कुछ और जो है जो हमने किए नहीं, जैसे 4/4%, 3%, वो पॉइंट में आते हैं, तो वो अगर वो याद भी नहीं रहेंगे तो ये वाले याद रख सकते हो आप। अब हम कुछ फार्मूले लिखते हैं।
फॉर्मूला नंबर वन, ए ये कोई नंबर है, ए परसेंट ऑफ बी, अगर ऐसे होगा इसका क्या मतलब है? इसका यही है, ए परसेंट किसके बराबर होता है, जैसे ऊपर हमने लिखा एक्स परसेंट इक्वल टू एक्स बाई हंड्रेड, तो ए परसेंट आएगा ए बाई हंड्रेड, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या इधर बी आएगा ऐसे ही, या इसी को हम लिखते हैं बी इंटू ए इंटू बी बाई हंड्रेड। बुक पे यूजुअली ऐसे ही होगा, बुक पे डायरेक्ट होता है ऐसे बी ए इंटू बी बाई हंड्रेड, मतलब उन्होंने ये इंटरचेंज किए होते हैं ए इंटू बी, मतलब हंड्रेड को उन्होंने आगे लिया होता है, बी के अंडर रखा होता है, लेकिन एक्चुअली में ये डेफिनेशन के हिसाब से ये ऐसे आता है। फार्मूला नंबर टू, इसमें हम फार्मूले लिखेंगे कुछ, तो उसके बाद एंड पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे एक दो लेक्चर में। ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, अगर ए परसेंट ऑफ बी होगा दिया होगा उसको हम लिख सकते हैं बी परसेंट ऑफ ए, मतलब बी परसेंट ऑफ ए, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे इसको, फाइव परसेंट ऑफ टेन है, ये बताता है कि ये इक्वल होगा टेन परसेंट ऑफ फाइव, उल्टा यहाँ पे ए की जगह फाइव है बी की जगह टेन है, वही लिखा हमने ए परसेंट ऑफ बी, और टेन यहाँ पे टेन बी की जगह टेन है, तो बी परसेंट ऑफ ए आएगा, टेन परसेंट ऑफ फाइव आएगा। जैसे अगर इसको हम देखें ये इक्वल आता है कि सच में इक्वल आता है कि नहीं आता है, यह आएगा फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू टेन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ये जीरो कैंसिल, जाएगा फाइव बाई टेन, फाइव बाई टेन को और जब करेंगे तो आएगा वन बाई टू, फिलहाल इतना ही रखो इसको, ये भी आएगा टेन बाई हंड्रेड इंटू फाइव, ये जीरो कैंसिल, तो ये बचेगा फाइव बाई टेन बचेगा, ये भी सेम आ रहा है, तो वही ये बता रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन में आगे यूज होता है कि कभी ऐसे फॉर्म में होता है क्वेश्चन, तो इस फॉर्म में हम करते हैं इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, या इस फॉर्म में हो तो इस मतलब हम अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं, ए परसेंट ऑफ बी को हम बी परसेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ये यूजुअली सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करते हैं एक, 120% ऑफ 675 इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 1240 प्लस 716, तो फाइंड एक्स, हमने एक्स की वैल्यू निकालना है, दिस इज फाइंड एक्स। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 120%, इसको लिखते हैं 120 अपॉन 100% की जगह आपने अपॉन में 100 लगाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 675 प्लस 92 भी है इधर, प्लस 92, तो प्लस 92 इधर भी आएगा, इक्वल टू प्लस 92 इक्वल टू एक्स परसेंट आएगा एक्स बाई हंड्रेड इंटू 1240 प्लस 716। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे पहले, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ, और ये भी फाइव से डिवाइड होता है, ये भी फाइव से डिवाइड होता है, तो यहाँ आएगा टू फाइव, ऊपर भी हमने फाइव से डिवाइड किया, इधर भी, तो टू फाइव ज़ार टेन, इधर आया हमारे पास टू, और जब इसको हम फाइव से करेंगे तो ये आता है 135। ये कैसे आएगा, जैसे जब हम डिवाइड करते हैं हम लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं, फाइव से करना है, फाइव वन ज़ार फाइव, सिक्स में से फाइव गया कितना बचा वन, तो वन फाइव से नहीं होगा, इधर वन आया, फाइव वन ज़ार फाइव, फिर बचा सेवनटीन, तो फाइव इसको मिलाया इससे बना 70, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, तो थ्री इधर लिखा हमने क्वेश्चन में, तो फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, सेवनटीन में से फिफ्टीन बचा टू, टू को फिर फाइव से जोड़ा बचा 25, फाइव फाइव ज़ार 25, वही मैंने लिखा 135, तो राइट ये आ गया ये ऐसे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारे पास, और इस साइड भी हम ये जीरो और ये जीरो कैंसिल करते हैं, और अब इन टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये अभी डिवाइड होता है ये वाला, फिर से हम टू से कर देंगे, टू वन ज़र टू, टू सिक्स ज़र
12। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो वो कितना आएगा, 6 5 ज़ार। मल्टीप्लाई हम राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं, 6 5 ज़ार 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 3 21 का 1 कैरी 2, 6 1 ज़ार 6 प्लस 2 8, ये बना 8 10 प्लस 92। और राइट साइड में आया हमारे पास 10 इंटू 124 प्लस 716। अब इन दो को जब ऐड करेंगे हम 810 प्लस 92 को, 810 प्लस 92 ये आएगा 902। उसके बाद 902 आया ये दो सम करके, और यहाँ पे ये प्लस में है 716, जो इसको हम इस साइड लेंगे ये माइनस में आएगा, माइनस हो जाएगा -716। तो राइट साइड में क्या बचा अब हमारे पास, राइट साइड में बचा हमारे पास x बाई 10 इंटू 124, x बाई 10 इंटू 124 बचा हमारे पास राइट साइड में। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे लेफ्ट साइड तो ये कितना बचता है, ये हमें बचता है 186। ये कैसे आएगा, आया देखो इसमें से जब करेंगे हम, ये 2 है ये 6 है, ये 2 से 6 नहीं निकलेगा, तो इधर से 1 लाया हमने, इधर से इधर लाया, इधर से इधर लाया 1, 12 माइनस 6 आया 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ 10 बना था, 10 में से इधर लाया 1 बचा 9, 9 में से 1 8, इधर कितना बचा 8, 8 में से 7 1। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये छोटी क्लासेस में आपने सीखी है, तो अब मैं फिर भी बता रहा हूँ, आया 186। तो राइट साइड कितना है हमारे पास, x बाई 10 इंटू 124 सिंप्लाइज दैट। अब हम 186 को इधर ही रखते हैं, यहाँ पे ये 10 डिवाइड में है तो इसको इधर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पे ये 124 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में 124 इक्वल टू x, ठीक है, जैसे इम्प्लाई दैट x, या इसको ही हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 186 इंटू 10 अपॉन 124। अब देखो ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, इसको मैं डायरेक्ट 92 ज़ार 180 बचा 6, 3 2 ज़ार 6, मतलब 93 से ये 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 93 आएगा, और ये आएगा 62 2 ज़ार 124, या 93 इंटू 10 अपॉन 62। अब ये दोनों 31 से डिवाइड होते हैं, ये भी 31 से डिवाइड होता है और ये भी 31 से डिवाइड होता है, 31 2 ज़ार 62 एंड 31 3 ज़ार 93। और इसको फिर हम करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास क्या आया 3 इंटू 5, वो कितना बना 15। तो यही हमने निकालना था x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना इजी लगेगा, अब देखने में ये थोड़ा लगते हैं लेकिन जब करता है बंदा तो प्रैक्टिस से ये चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं, माइंड वैसे ही चलता है। फिर 16% ऑफ 550 डिवाइडेड बाय एक्स परसेंट ऑफ 500 इक्वल टू 25, हमने निकालना है एक्स, फाइंड एक्स। तो हमारे पास है सॉल्यूशन, 16 को हम लिख सकते हैं, 16% को 16 अपॉन 100 इंटू 550 डिवाइडेड बाय x परसेंट को x बाय 100 इंटू 500, तो राइट साइड में है इक्वल टू, दिस इज 2.5 नॉट 25, दिस इज 2.5। दिस इंप्लाइज दैट यहां से
ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, जहां भी आपको जीरो हो ऊपर नीचे, तो पहले कोशिश करो जीरो को कैंसिल आउट करने की, उससे सब्लिकेशन इजी हो जाती है। अब देखो ये भी फाइव से डिवाइड होता है, ये भी फाइव से डिवाइड होता है, ऊपर भी फाइव से डिवाइड करेंगे, नीचे भी ये 2 5 10 आएगा। हाँ 5 2 10 और 5 11 55 ऊपर आएगा 11। और इधर भी है ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो भी कैंसिल आउट कर दो, ये कितना बनेगा आप, हमारे पास आया, ये भी कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 8 16, हमारे पास आया 8 × 11, ये कितना आएगा, 11 8 88, 8 10 80, 8 11 88, यस 11 8 88 आया हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या होगा, राइट साइड, ये डिवाइड के राइट साइड है 5 × x, तो ये आया 5 × x और राइट साइड है 2.5। 88 डिवाइडेड बाई, इसी को हम लिख सकते हैं जो नॉर्मल फॉर्म में हम लिखेंगे, 88 डिवाइडेड बाई 5x इक्वल टू 2.5, 2.5 को हम लिखेंगे 25/10, एक स्टेप कम होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव किया तो अपान में 10 आया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के साइड जितने डिजिट उतने जीरो नीचे आया 10। अब देखो, और इसको जब हम, ये भी 5 से दोनों डिवाइड होते हैं, 2 5 10, 5 5 25, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को इसी साइड रखेंगे, 88 × ये 2 इधर अपान में है तो इसको इधर लेंगे, और अपान में ये 5 ऐसे ही रहेगा, और ये 5 ऊपर है यहाँ पे, तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 5, और ये x इधर नीचे, इसको इधर लेंगे, ये आएगा इक्वल टू के, ये न्यूमरेटर में आएगा इस साइड, तो x आया ये, तो ये आया हमारे पास सिंपल एज x इक्वल टू 88 2 0 अपॉन 25, 88 2 0 आएगा 176 अपॉन 5 5 25। ये देखो 8 8 2 8 16 का 6 कैरी, 1 2 8 16 +1 17, वही आया 176 अपॉन 25। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, ये कुछ पॉइंट में आएगी वैल्यू। देखो अब हम अगर इसको 176 को जब डिवाइड करेंगे 25 से, 25 सीधा होगा ये 25 7 0 बनता है 175, हमारे पास बचा 1, अब 1 तो नहीं होगा, इससे लगाया पॉइंट, लगा 0 बना 10, 10 बनी 25 से होता है, फिर इधर भी लगाया 0 और ऊपर भी लगाया 0, बना ये 100 और ये 100 डिवाइड होता है 25 से, तो 25 1 0 25 25 4 0 100 के इक्वल आता है, तो आया हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड, तो ये आ गया पॉइंट में 7.04, और यही हमने निकालना था एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट है आप टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज, अगर कोई फ्रैक्शन दी होगी या डेसिमल दिया होगा उसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय 100 से मल्टीप्लाई करना है उस फ्रैक्शन को या उस डेसिमल नंबर को, तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। एग्जांपल 0.35 एक डेसिमल नंबर है, इसको अगर हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 0.35 × 100 करेंगे तो ये बनेगा 35%। इधर परसेंट लगाना, और इसी तरह से अगर इसी को हम लिखेंगे ये कितना बनेगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, 35/100 बनेगा, 0.35, पॉइंट के साइड 2 डिजिट है, नीचे 2 0 आए, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये परसेंटेज में, तो ये आएगा 35/100 × 100 मल्टीप्लाई जो ये ऊपर हमने लिखा परसेंट, ये 100 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 35%, ये सेम ही आएगा क्योंकि ये और ये सेम चीज़ है। और टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 100, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसका रिवर्स होगा, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज
इंटू फ्रैक्शन डिवाइड इट बाय 100, एग्जांपल 12.5% होगा, ये आएगा फ्रैक्शन में जंप करेंगे तो 12.5/100। वैसे हमने ये ऑलरेडी किया भी ऊपर के, अगर x परसेंट होगा तो उसको लिखते हैं x बाई 100, इधर x की जगह है 12.5, तो जाएगा 12.5/100। इसी को अगर और करेंगे हम, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे और, तो इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे एक और जीरो लगे, दो जीरो ये हैं और एक एडिशनल जीरो होगा, और ये बनता है, ये 1000 डिवाइड होता है 125 से, ये 8000 होता है, 125 8000 होता है 1000, तो ये आया 12.5% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/8। अब हम फार्मूला लिखते हैं और ये है हमारा फार्मूला नंबर थर्ड, इफ एक्स इज रिड्यूस टू एक्स देन रिड्यूस परसेंट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स परसेंट। अगर कोई नंबर एक्स है वो रिड्यूस हुआ एक्स नॉट, मतलब वो कम हुआ एक्स से एक्स नॉट पहुंचा, तो कितना रिड्यूस होगा, वो परसेंट कितना होगा, वो होगा एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स परसेंट, ओरिजिनल नंबर माइनस जो न्यू नंबर आया रिड्यूस होने के बाद अपॉन ओरिजिनल नंबर। एग्जाम्पल मैंने ली है 10 इज रिड्यूस टू 5, 10 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल नंबर एक्स को, और 5 आया रिड्यूस होने के बाद, ये एक्स नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन रिड्यूस परसेंट इक्वल टू 10 माइनस 5, 10 है हमारे पास एक्स माइनस 5 एक्स नॉट अपॉन 10 × 100, आया 5/10 × 100, 10 माइनस 5 5 5/10 × 100, तो ये आया 50%, ये जीरो कैंसिल, 5 × 10 = 50। अब देखो डायरेक्टली अगर हम देखें इसको, ओरिजिनल नंबर है 10, रिड्यूस होने के बाद हमें 5, हम 5 पहुंचे, कितना काम हुआ 10, 5 काम हुआ, और 5 कितना है 10 का, 50% है, टोटल नंबर अगर 10 है तो उसका आधा 5 है, तो 5 आधे को ही हम 50% बोलते हैं, तो वही यहाँ पे डायरेक्टली है, तो ये फार्मूला भी आगे यूज होगा क्वेश्चंस में। फार्मूला नंबर नेक्स्ट फार्मूला है हमारा अब इंक्रीज के लिए है, इफ एक्स इज इंक्रीज टू एक्स वन देन इंक्रीमेंट परसेंट, मतलब इंक्रीज में कितना परसेंट हुआ, इंक्रीमेंट परसेंट इक्वल टू जो नया नंबर आया इस बार एक्स माइनस एक्स वन माइनस जो पुराना नंबर था एक्स अपॉन पुराना नंबर एक्स इंटू 100। अगर कोई नंबर एक्स है ये इंक्रीज हुआ एक्स में, तो कितना परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा, कितना इंक्रीज हुआ होगा वो परसेंटेज में, तो वो ये फार्मूला बताएगा, जो नया नंबर आया उसका ऊपर, यहाँ पे क्योंकि रिड्यूस हुआ था तो ओरिजिनल में से जो नया आया माइनस करना था और अपान में ओरिजिनल रखना था, और इंटू यहाँ पे इंटू हंड्रेड है, तो यहाँ पे भी है इंटू 100, और यही परसेंट में निकलेगा। जैसे इसकी भी हम एग्जांपल लेंगे, यही 5 के रिवर्स लेंगे हम एग्जांपल, 5 इज इंक्रीज टू 10 देन इंक्रीमेंट परसेंट कितना होगा, 5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर इधर x है, और ये इंक्रीज होने के बाद आया बना एक्स वन, यह है 10x1, तो फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा, x1 माइनस x1 क्या है 10, माइनस x क्या है 5 अपॉन ओरिजिनल नंबर वो है 5 इंटू 100, 10 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100, तो ये आएगा 5 5 कैंसल, तो आएगा 100%, कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ 100%। अब देखो अब डायरेक्टली हम देखेंगे, ओरिजिनल नंबर है 5, ये 5 से 10 बना, कितना ये स्टेप आगे बढ़ा, ये कितना नंबर इंक्रीज हुआ 5 हुआ, मतलब 5 को 10 तक पहुंचने के लिए कितना नंबर इंक्रीज हुआ 5 ही हुआ, 5 + 5 = 10, और ये कितना इंक्रीज है टोटल नंबर का, टोटल नंबर भी 5 ही है और 5 ही ऐड हुआ, तो मतलब ये पूरा 100% इंक्रीज हुआ ओरिजिनल नंबर का।
तो वही हमारे इस फार्मूले के थ्रू निकला। और नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 5। ये सब ये मैं सीरियली लिखूंगा क्योंकि आगे जब अप्लाई करूंगा वहां मैं रेफरेंस दूंगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज बाय 1%, इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज, कोई अमाउंट अगर इंक्रीज किया हमने 1%, एंड देन इट इज रिड्यूस बाय 1%। पहले 1% से इंक्रीज किया, फिर दोबारा हमने इसको 1% से हम नंबर से ही रिड्यूस भी हुआ, देन परसेंटेज चेंज विल बी, देन परसेंटेज चेंज विल बी अ डिक्रीज ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन 100%। हमें कोई अमाउंट यहाँ पे, अमाउंट का मतलब पैसा नहीं है, कोई भी नंबर होगा या कोई क्वांटिटी होगी, वो पहले 1% हमने इंक्रीज की, उसके बाद इंक्रीज होने के बाद जो नया नंबर बना हमारे पास उसको हमने फिर रिड्यूस किया 1% नंबर से, 1% से ही, मतलब 10% से अगर इंक्रीज किया जो नंबर नया बना उसके बाद फिर 10% से इसको फिर रिड्यूस किया, तो परसेंटेज विल बी डिक्रीज, फिर जो रिजल्ट होगा वो डिक्रीज होगा, और वो कितनी डिक्रीज होगी वो होगा ए स्क्वायर अपॉन 100%। अगर इसकी भी हम एग्जांपल से समझेंगे ये क्या बता रहा है। चलो गिवन अमाउंट हम मानते हैं 100, इट इज इंक्रीज बाय 10%। ये 10% इंक्रीज हुआ तो न्यू अमाउंट क्या होगा, इसमें हमने 10% और ऐड करना है इसी का। एक तो ये ओरिजिनल नंबर आया प्लस 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 आएगा सीधा 10, वो कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर 100 टोटल है तो उसका जितना जो नंबर परसेंट में देखेंगे वही होगा, जैसे 10% तो 100 का 10% 10 ही होगा, 20% 20 होगा, 50% 50 होगा। अगर फार्मूले के हिसाब से देखिए, रोल के हिसाब से 10% ऑफ 100 कितना आएगा, 10/100% की जगह 100 इन ऑफ 100 मल्टीप्लाई 100, ये वाला 100 100 कैंसिल तो आया 10, वही मैंने इधर लिखा। ये कितना बना, अब अमाउंट बना हमारे पास 110 नया अमाउंट। अब ये नया अमाउंट जो है ये डिक्रीज होगा सेम, पहले हमने 1% से इंक्रीज किया दैट इज 10 से, अब इसी को हमने डिक्रीज करना है फिर से 10 से ही, इसी नंबर से, तो वो है 10। नो अमाउंट इज डिक्रीज बाय 10%, तो न्यू अमाउंट क्या आएगा फिर आफ्टर डिक्रीज, 110 तो आया, ये ओरिजिनल नंबर, इसमें से 10% इसी का माइनस करना है, तो 10% कितना आएगा 110 का, वो आएगा 11। सेम ऐसे ही करेंगे, 10% हम निकालेंगे जब 110 का, तो आएगा 10/100 × 110। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये बचा खाली 11, तो वही मैंने किया, क्योंकि इस वक्त डिक्रीज हो रहा है तो ये इसमें से माइनस होगा, 110 में से हमने माइनस निकाला ये 11, कितना आया हमारे पास 99। आया 99 तो कितना हमें डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ही हुआ, ओरिजिनल नंबर 100 था और लास्ट पे आया 99, तो डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, 100 − 99 = 1 हुआ हमारे डिक्रीज। तो अब देखो अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखेंगे, ए स्क्वेयर अपॉन, वही बता रहा था फार्मूला, ए स्क्वेयर अपॉन 100, ये हमने दूसरे हिसाब से देखा और बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या बता रहा था, डिक्रीज कितना होगा ए स्क्वेयर अपॉन 100, ए कितना हमारे पास 10 लिया था हमने,
सेम नंबर से इंक्रीज हैंड से डिक्रीज, तो 10² / 100%, तो वही इधर भी परसेंट लिखना था। 10² कितना आएगा, 100/100%, 100/100 कितना आया, 1%, तो वही हमने दूसरे हिसाब से भी इनडायरेक्टली जब निकाला तो 1% आया, और अगर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करते तो ये आया। देखो अब फार्मूले से सीधा हम डायरेक्टली ऐसे हमें इतना ये करना पड़ा, तो फार्मूले से हम डायरेक्टली एक स्टेप में निकालते थे निकाल सकते थे। तो ये है फार्मूले का फायदा। अब हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला नंबर 6। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय ए परसेंट एंड देन इट इज डिक्रीज बाय बी परसेंट। पहले इंक्रीज हुआ ए परसेंट से और फिर डिक्रीज हुआ बी परसेंट से। ऊपर हमने किया था ए से ही इंक्रीज हुआ था और ए से ही डिक्रीज हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज ए से हो रहा है, डिक्रीज बी से, मतलब पहले इंक्रीज किसी और नंबर से हो रहा है, कोई और परसेंट नंबर इंक्रीज हो रहा है। ए कुछ भी हो सकता है, 10, 20 कुछ भी, और बी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए के अलावा सेम नहीं होगा। तो देन रिजल्टेंट चेंज इन परसेंटेज, रिजल्टेंट चेंज इन परसेंटेज विल बी, वो क्या होगी, वो ये फार्मूला होगा, ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लगाया, जहां पे इंक्रीज हुआ जो नंबर इंक्रीज हुआ है उसके साथ पॉजिटिव साइन रखना है। ए इंक्रीज हुआ तो ए के साथ पॉजिटिव साइन है, मतलब नेगेटिव नहीं है इधर। बी डिक्रीज हुआ तो इसके साथ माइनस आएगा, और फिर जब इन दो को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस बनेगा, वही आया माइनस ए बी बाई 100। और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे एंड पे, अगर ये अभी हमें पता नहीं है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जब सेम नंबर होगा ए परसेंट से इंक्रीज ए से डिक्रीज, तो तब तो डिक्रीज होगा, लेकिन इधर हमें पता नहीं है। अगर हमें हम ये सॉल्व करने के बाद, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर आया तो हमें इंक्रीज मानना है उसको, अगर वो नेगेटिव आया तो वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 7। पहले हम पिछले फार्मूले के रिलेटेड एग्जांपल निकालेंगे, कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी। कोई नंबर है गिवन, नंबर हमारे पास 100 है और इस पे इंक्रीज हुआ 20%, फिर डिक्रीज हुआ 10%, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगी, परसेंटेज चेंज होगी, अभी हमें ये पता नहीं है इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये हम एंड पे बताएंगे। ए हमारे पास ये था और फिर ये बी था, ठीक है। तो ए माइनस बी, डिक्रीज के लिए माइनस साइन, 10 माइनस ए बी 20 × 10/100 परसेंट, ये फार्मूला बता रहा था। ये ए है, ये बी है, ये माइनस ए इंटू बी है अपॉन 100, ये फार्मूले का है सारा, ये फार्मूला मतलब हमने यूज किया। तो ये कितना आएगा, 20 - 10 आया 10 माइनस, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये कितना बचा, खाली 2%, कितना आया ये 10 - 2 8%। तो 8% हमें ये आया, तो ये क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव में नहीं आया, तो ये मतलब ये 8% इंक्रीज हुआ है। ये दिखने भी हम बता सकते हैं कि इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीज 20% हुआ, डिक्रीज सिर्फ 10 ही%, ये तो ओवरऑल इंक्रीज ही होगा। अब इसी के लिए दूसरी एग्जांपल लेंगे, मतलब डिक्रीज कैसे अगर देखना हो हमने। गिवन नंबर है हमारे पास वही 100, इंक्रीज रखेंगे इस वक्त हम 10%, डिक्रीज हुआ ये फिर 10%, पहले इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ 20%, सिर्फ नंबर हमने चेंज किए, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। परसेंटेज चेंज इक्वल टू ए माइनस बी, इस वक्त ए क्या है 10, बी है ये
जो बाद में आया, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। सिर्फ ए और बी की प्लेस चेंज हुई इस बार, 10 माइनस 20 माइनस 10, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये बचा फिर माइनस 2%। इसको जब करेंगे माइनस 10 और 2 माइनस 12, ठीक है, ये कैसे आया, माइनस को कॉमन निकाला, अंदर बचा 10 प्लस 2 तो वो बना 12, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बना माइनस 12%। तो देखो अभी माइनस आया तो ये डिक्रीज हुआ है 12%, डिक्रीज 12%, ऊपर आया था पॉजिटिव तो ये इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 7। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड, ये फार्मूला एक हिसाब से, मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये एक हिसाब से क्वेश्चन ही है, कि क्वेश्चन में आपको मैंने तो 100 लिया, वहां कुछ भी हो सकता है नंबर, और मैंने 10 और 20 एग्जांपल के लिए लिया, तो लेकिन वहां पे कुछ भी हो सकता है, बस आपने ऐसे ही अप्लाई करना है फार्मूला। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में ही बता दिया। इज डिक्रीज, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय ए परसेंट, ये उस ऊपर वाले फार्मूले का रिवर्स है, वहां पहले इंक्रीज था, यहाँ पे पहले डिक्रीज था, एंड देन इट इज इंक्रीज बाय बी परसेंट, बी परसेंट ऊपर क्या लिखा था हमने, पहले इंक्रीज है ए परसेंट से, देन डिक्रीज बाय बी परसेंट, लेकिन यहां पहले डिक्रीज बाय ए परसेंट एंड देन इंक्रीज बाय बी परसेंट, देन नेट इंक्रीज आर डिक्रीज, नेट इंक्रीज आर डिक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज या डिक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं कि पॉजिटिव कि नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव आया एंड पे तो डिक्रीज होगा, जैसे ऊपर मैंने बताया। और हाँ, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में खाली 8% नहीं होगा, हो सकता है जैसे ये निकाला वहां पे 8% इंक्रीज भी होगा, 8% डिक्रीज भी, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर एंड पे पॉजिटिव आया तो आपने समझना है इंक्रीज है। तो ये कितना आएगा, इसके लिए फार्मूला है, जब हमने डिक्रीज किया सेम साइन सेम वैसे ही लेने, जैसे ऊपर ले इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, ए इस वक्त डिक्रीज हो रहा है ए परसेंट से, तो माइनस ए लिखा हमने, बी के लिए इंक्रीज हो रहा है लिखा बी प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस बनेगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ए बाई 100, ऊपर हो रहा था ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी, मतलब ए और बी का साइन इंटरचेंज हो, इसलिए हुआ क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज में भी इंटरचेंज हुए। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल लेंगे ऐसे ही, जैसे पर ले एग्जांपल, गिवन नंबर अगर 100 है हमारे पास, डिक्रीज लिया हमने 10% और इंक्रीज लिया 20%, तो परसेंट चेंज क्या आएगी, परसेंटेज चेंज आएगी डिक्रीज के साथ, माइनस माइनस 10 प्लस फिर 20, ये इंक्रीज है, माइनस ए बी 10 इंटू 20 अपॉन 100%, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बड़े में से छोटे निकालेंगे तो ये आएगा 20 माइनस 10 10, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहाँ पे तो हर बार टू ही आएगा, माइनस 2%, तो कितना आ रहा है 8%, चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीज हुआ इस बार 8% से इंक्रीज हुआ। और ये आप ऊपर भी देख ही सकते हो, क्योंकि इंक्रीज हमने ज़्यादा लिया 20% और डिक्रीज बहुत कम है उससे, अगर ऑलरेडी क्लोज क्लोज होता फिर भी होता, लेकिन ये बहुत दूर है तो इस वजह से हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये इंक्रीज ही होगा, सिर्फ वैल्यू निकालनी है। अगर इसी को हम यही एग्जांपल लेंगे, हम डिक्रीज अगर चेक करना हो, जैसे ऊपर हमने किया गिवन नंबर फिर से हमने 100 लिया, अब हम डिक्रीज को बड़ा रखेंगे, डिक्रीज को हमने बड़ा परसेंट लिया वो 20%, इंक्रीज को हमने लिया 10%, ये इंक्रीज है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगी, वही डिक्रीज जो है पहले ए माइनस ए, तो माइनस ए क्या है माइनस 20, प्लस बी, बी क्या है 10, माइनस ए बी 20 इंटू 10 अपॉन 100%, ये जीरो
ये जीरो, ये जीरो हमने काटा, ये कैंसिल हुआ। ये क्या कितना आया, 10 माइनस 20 -10, और ये 2 बचा इधर -2, तो ये आया -12%। तो ये मतलब माइनस साइन आया, तो उसका मतलब ये डिक्रीज हुआ, इतने परसेंट डिक्रीज हुआ ये नंबर हमारा। फार्मूला नंबर 8 है ये हमारा। अब दोनों केस में डिक्रीज है, जैसे जो फार्मूला नंबर 5 था वो था ए परसेंट से ही, वो क्या था हमारा, ए परसेंट से इंक्रीज, बी परसेंट से डिक्रीज। 6 था ए परसेंट, ए परसेंट से ही डिक्रीज, मतलब सेम से इंक्रीज सेम से डिक्रीज। 6 फार्मूला था हमारा, एक परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, दूसरे से डिक्रीज। 7 था, एक से डिक्रीज दूसरे से इंक्रीज। और जो फार्मूला नंबर 8 है हमारा, यह है डिक्रीज भी, हाँ पहले 1%, ये एक नंबर से डिक्रीज फिर दूसरे नंबर से डिक्रीज, मतलब डिफरेंट नंबर से, मगर दोनों से डिक्रीज ही होगा। इफ अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय ए परसेंट एंड देन बाय बी परसेंट, देन बाय बी परसेंट मतलब ये देन डिक्रीज बाय है ये, ठीक है, मैंने लिखा नहीं इंग्लिश में, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देन डिक्रीज बाय 10%, देन नेट डिक्रीज। इस वक्त हमें पता चल जाएगा कि ये स्टार्टिंग में ही एंड पे डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों दोनों बार डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मतलब एंड पे डिक्रीज ही होगा। देन नेट डिक्रीज परसेंट इज किसके बराबर है, वो नेट डिक्रीज परसेंट, देखो फर्स्ट नंबर भी ए परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन, ये फार्मूला सेम ही है, सिर्फ साइन चेंज होंगे। फिर बी परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज बाय बी परसेंट, यहाँ पे बी परसेंट है, तो यहाँ पे फिर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर माइनस। फिर हम लिखते हैं ए बी बाय 100, लेकिन इधर साइन कैसे हम चेक करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, अगर एक दोनों पॉजिटिव होते तब भी प्लस होता, दोनों नेगेटिव तब भी इधर प्लस होगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा इधर पे। तो ये है ये फार्मूला हमारा। इसकी भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। गिवन नंबर हम लेंगे 100, फर्स्ट डिक्रीज 10% या 20, जो भी रखना हो, 10 या कोई भी, चलो 10% ही रखते हैं हम। सेकेंड डिक्रीज 20%, पहले डिक्रीज हुआ 10%, फिर सेकेंड डिक्रीज हो 10%, तो नेट डिक्रीज क्या होगा, नेट डिक्रीज परसेंट कितना आएगा फार्मूले के हिसाब से, ए माइनस ए माइनस बी, माइनस ए क्या है -10, माइनस बी क्या है -20, फिर प्लस ए बी है, प्लस ए बी क्या आएगा 10 × 20 / 100, / 100 था फार्मूले का परसेंट, -20 -10 × -20 -30, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, कितना आया -30 + 2, 2 में से 30 निकालेंगे तो आएगा -28%, तो ये इंडिकेट कर रहा है माइनस डिक्रीज है, वो तो इसमें हमें ऑलरेडी पता भी है कि ये डिक्रीज होगा, लेकिन माइनस ही आएगा, चाहे आप इधर कुछ भी बड़ी वैल्यू लोगे तब भी ये माइनस ही आएगा। अगर हम इधर 20 लेते इधर 10 लेते फिर भी ये होता -20 प्लस -10 -30 ही आता फिर भी, तो यहाँ पे एंड पे हर माइनस ही आएगा, तभी इन्होंने फार्मूले में ऑलरेडी लिखा है नेट डिक्रीज, NET नेट। फार्मूला नंबर 9 इफ अ नंबर इज फर्स्ट, अब इंक्रीज के लिए है, इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय ए परसेंट परसेंट एंड देन अगेन इंक्रीज बाय बी परसेंट, पहले ए परसेंट से इंक्रीज हुआ,
फिर 20 से इंक्रीज होगा, देन टोटल इंक्रीज और नेट इंक्रीज कितना होगा, यहाँ पे डिक्रीज आ रहा था, यहाँ पे इंक्रीज आएगा। अब देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ए भी बी भी, तो फार्मूला सेम है ये, इसको भी पॉजिटिव साइन आएगा, इसको भी, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो गए, प्लस इंटू प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, प्लस इंटू प्लस, प्लस ये आएगा इधर भी ए बाई 100%, ये आया हमारा फार्मूला। इसको भी अगर हम एग्जांपल लेंगे, जे वन नंबर इक्वल टू 100 लेंगे हम, फर्स्ट इंक्रीज 5% लेते हैं इस बार, सेकंड इंक्रीज 15% लेते हैं, तो नेट इंक्रीज परसेंट कितना होगा, देन नेट इंक्रीज परसेंट कितना होगा, ए प्लस बी, ए कितना है 5 + 15 + 5 × 15/100%, 5 + 15 कितना होगा 20+, देखो इस बार यहाँ पे 0 0 है नहीं, इस बार ये कैंसिल नहीं होगा, तो इस बार हम इसको करेंगे 5 × 1 = 5, 25 × 100, इसे हो गया। फिर ये भी 5 से डिवाइड होता है दोनों, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, ये बना 15 प्लस, इसको जब और हम सॉल्व करेंगे 4 × 20 = 80 + 3/4%, 80 + 3 = 83/4%, इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 20 point something, 83 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 - 8 आया 0, 3 को नीचे लाया, अब 3 4 से होगा नहीं, इधर पॉइंट लगाया, इधर लगा 0, फिर ये होगा 4 × 7 = 28, 30 − 28 = 2, तो इसको हम 0 लगाएंगे बना 20, तो 4 × 5 = 20, फिर हमने 0 लगाया बना 20, तो 4 × 5 = 2.75, 20.7, इधर 0 आएगा, 4 × 2 = 8 आया 8, इधर 20 है, तो 8 में से 8 आया 3, फिर 3 डिवाइड नहीं होगा, लगाया हमने इधर 0, 4 × 0 = 0, 3 - 0 आया 3 हमारे पास, फिर 3 आया तो 3 के बाद पॉइंट लगाया हमने, इधर लगाया 0 बना 30, 30 − 28 = 2, ये 30 − 28 = 2, फिर 0 लगाया तो 4 × 5 = 4 × 7 = 28, फिर 4 × 5 = 20 आएगा 0, इधर ख्याल रखना इधर 20 है, 4 × 2 = 8, फिर जब 3 को हमने किया डायरेक्टली हम पॉइंट नहीं लगा सकते, पहले हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, इधर बना 4 × 0 = 4, 0, 3 में से 0 निकाला आया वो 3, इधर इधर भी इधर आया 0, 4 × 0, तो फिर उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये बनता है 20.75%। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूले, अभी कल के लेक्चर में भी कुछ फार्मूले करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे ये फार्मूले सब। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली अगर आप JKSSB VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स और डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।